नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की बेहतर कार्य प्रणाली ने जीता फरुखाबादियों का दिल। पत्रकार पर हुए हमले पर पुलिस ने गंभीरता से लिया मामला। आरोपी के खिलाफ एक घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। और ये खबर है हमारे संवाददाता देवराज सिंह की। थाना कोतवाली के रेलवे रोड तिवारी गली निवासी जितेंद्र कश्यप ब्यूरो चीफ टीवी बन इंडिया न्यूज को नाला मचरट्टा मार्ग पर लक्ष्मण शर्मा उर्फ आला निवासी दरीबा पश्चिम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्रकार के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जिसकी तहरीर पत्रकार ने पहले नखास चौकी में दी, जिसके तुरंत बाद कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं पत्रकार एकता शक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने दिल से युवा एसपी अशोक कुमार मीणा जी का आभार व्यक्त किया। संगठन के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि जब से जिले की कमान युवा पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी ने संभाली है, आरोपियों के हौसले पस्त हो गए। शुक्ला जी ने ये भी कहा कि जनपद में इससे पहले कभी भी पुलिस कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं करती थी, परंतु युवा एसपी की कार्यप्रणाली के कायल हो गए। वहीं यूपी 76 न्यूज संपादक इरशाद अली ने बताया कि जब से युवा एसपी जनपद में आए हैं तब से पुलिस को कार्य करने का तरीका ही बदल गया है। अब जनपद में पत्रकार ही नहीं, आम जनमानस भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अधीक्षक जी के मनीष पत्रकार के मामले में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने सभी पत्रकारों के साथ बड़े भाई जैसा बर्ताव किया, जिससे सारे पत्रकार युवा एसपी से मिलकर गदगद हो गए थे। जिस प्रकार आज जितेंद्र कश्यप के ऊपर हुए हमले पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये कार्य सराहनीय है। पत्रकार एकता शक्ति संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने आपस में बैठकर बातें की कि फरुखाबाद जनपद का ये सौभाग्य है कि जिलाधिकारी के रूप में मानवेंद्र सिंह जी व पुलिस अधीक्षक के रूप में अशोक कुमार मीणा जी ने चार्ज लिया। सारे पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार जताया कि उन्होंने फरुखाबाद जनपद को ऐसे नगीने रूपे अधिकारी दिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।